एक बार फिर से आपका स्वागत है और लगातार इस बड़ी खबर पर हम आपको पल पल अपडेट पहुंचा रहे हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कुछ सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपको हर एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं प्रयागराज से, अलग अलग जगहों से, चाहे वो खसारी मसारी कब्रिस्तान हो या फिर आप जो इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस से भी अपडेट मिल रहा है, वहां की भी तस्वीर हम आपको अपडेट वहां से भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त गौरव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कासगंज से हमारे सहयोगी गौरव का भी रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त अशोक धर द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं। सबसे पहले मैं सर आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से पूछताछ अतीक अशरफ से चल रही थी, पंजाब करेक्शन सामने आ जाता है, हथियार तस्करों को लेकर वो एक बड़ा खुलासा भी करने वाला था, क्या हम यही माने कि इस कनेक्शन को छिपाने के लिए, क्योंकि पंजाब ले जाने की भी उसे तैयारी हो रही थी कि वहां पर जिस तरह हथियार सप्लाई उसे किए जा रहे थे वो कनेक्शन खुल जाता, क्या इसीलिए दी एंड किया गया, क्या आपको क्या लग रहा है इस मामले में? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह एक संभावना हो सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि हथियार के जो तस्कर है जिनके माध्यम से हथियार इसको प्राप्त होते थे अतीक गैंग को, वो इसमें इन्वॉल्व हो। या जैसे अभी बातें स्पष्ट हुई पाकिस्तान की आईएसआई संस्था है, लश्करे तैयबा के लोग भी हो सकते हैं, या ऐसा भी संभव है कि इलाहाबाद के या कहीं और के बिल्डर्स वगैरह जहां पर इनके पैसे वगैरह लगे रहते हैं उनके पास पैसे इनके दबे हों, कुछ और भी हो सकते हैं जिनको लगता हो कि इनके उगलने से, राज उगलने से उनकी स्थिति खराब हो सकती है समाज में और कानून की निगाह में, इनमें से कोई भी हो सकता है, ये संभावना है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये बातें थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी, 2-3 दिन का वक्त लग सकता है इसमें। ठीक है सर, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशाल का एक बार फिर से रुख करते हैं। विशाल, अभी की तस्वीरें वहां से क्या है, लोग घरों की छतों पे खड़े हुए हैं, देखना चाहते हैं वो, और अभी वहां पर जैसा कि जयपाल ने भी तस्वीरें दिखाई, आपने तस्वीरें दिखाई, छावनी में तब्दील कर दिया गया ये पूरा इलाका, अभी की तस्वीर क्या है विशाल? विशाल आवाज मिल रही है आपको? देखिए बिल्कुल आपको बताया, देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है यहाँ पर जो ड्रोन है और उससे नजर रखी जा रही है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ड्रोन से जो है पूरी तरह से कि लगातार एक एक तस्वीर जो है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। और ड्रोन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आप देख सकते हैं कि RAF टिकट जो टुकड़ी है वो आपको हम दिखाते हैं, तो यहाँ पर पूरी तरह से एक सर्कल जो है वो बना दिया गया है, और यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि पूरा जो एरिया है उसको RAF ने अपने जो है अंडर ले लिया है, और खासतौर से एरिया को जो है ब्लॉक कर दिया गया है। लगातार ड्रोन जो है वो यहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ड्रोन से जो है पूरे इलाके की नजर रखी जा रही है, और चूंकि अभी से कुछ देर के बाद यहाँ पर जो है अतीक और अशरफ का जो शव है वो पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर विशेष तौर पर जो इंतजाम है वो किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था देखिए, आप चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हैं, ब्रज वाहन पर जो है RAF के जवान जो है वो हर जो किसी भी ऐसी जो ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर जो है स्थिति जो है नियंत्रण से बाहर हो उसके लिए निपटने के लिए तैयार है, तो यहाँ पर फिलहाल पूरी तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है, और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फिलहाल ठीक है। विशाल मैं लौट रही हूँ अभी आपके पास, एक बार गौरव का रुख कर लेते हैं। इस वक्त गौरव भी हमारे साथ कासगंज से जुड़े हुए हैं। गौरव, ये कुछ लोग भी आपके पास इस वक्त नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, अरुण का कनेक्शन कासगंज से ही था, कासगंज का रहने वाला था, मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, इसके क्राइम कुंडली क्या कुछ रही, कोई जानकारी वहां से मिल रही है? बाकी अतीक और उसके भाई अशरफ को कल गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और हत्या में 3 हत्यारोपियों के नाम आए थे, जिसमें एक हत्यारोपी का नाम कासगंज से निकला, इसका नाम अरुण मौर्या है, ये कासगंज के थाना सोलह क्षेत्र के गांव कादरवाड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है, और इसके पिताजी हैं वो गोलगप्पे की ठेली लगाकर गुजारा करते हैं। और जब गाँव वालों से बात की हमने तो गाँव वालों ने ये बताया, अरुण मौर्या